जीवन में वैसे भी अगर हम चार चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर ले, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो डेडिकेशन हो, चाहे वो डिटर्मिनेशन हो, चाहे वो डिवोशन है, जो फोर्डी को इस्तेमाल करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है, और जो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठना चाहता है, जो जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी की भावना से ओतप्रोत होता है, जिसको मिट्टी कंकड़ पत्थर के चुभन का एहसास होता है, जो बच्चा अभाव में रहता है, वही दुनिया में एक नया आयाम बनाता है। और कहते हैं युवाओं के लिए कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाने चलते हैं।